नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। वे बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एनडी गठबंधन के तहत आप 4 और कांग्रेस 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नामांकन के दौरान कन्हैया कुमार के साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रमुख गोपाल राय भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी ने रायबरेली के लिए वायनाड और अमेठी के लोग को छोड़ दिया है। अन्नामलाई ने कहा, लोगों ने कांग्रेस के बुरे मंसूबों को समझ लिया है। रायबरेली के लोग इस बार कांग्रेस को खारिज कर देंगे। पीएम मोदी बड़े जनादेश के साथ सत्ता में वापसी करेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।